नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आने वाली 30 जुलाई को मास की महाशिवरात्रि, और वह शिवरात्रि भी श्रावण मास में आती है। जब यह श्रावण मास में आती है तो विशेष इसका महत्व बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है। इस समय पर माँ पार्वती ने साक्षात भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया, और वह 30 जुलाई को ही दिन है। 30 जुलाई को यह विशेष दिन आ रहा है। उस दिन अगर आप एक खास उपाय कर लें और अपने घर में से यह एक विशेष चीज उठाकर आप भगवान शंकर पे चढ़ा आएं, इसका विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी रात्रि काल में अर्थात साय से रात्रि के बीच में जो भी भगवान शिव की पूजा करता है शिवरात्रि के दिन, क्योंकि आप इस शब्द का अर्थ समझ रहे होंगे, शिव रात्रि अर्थात पूर्ण रात्रि को जो भी भगवान शिव की पूजा करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव एक न एक बार उसे जरूर दर्शन देते हैं। किसी भी रूप में भगवान शिव आपके समक्ष आएंगे और आपको सुख सौभाग्य ऐश्वर्य और आरोग्यता प्रदान करेंगे। उसके लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय भी बड़ा ही सरल है। आप शिवरात्रि की प्रातःकालीन में स्नान इत्यादि करने के बाद अपने पूजा स्थान से जो भी 1 रुपए का सिक्का हो उसको उठाकर आप अपने साथ रात्रि काल में शिव भगवान के पास जाएं, अर्थात शिवलिंग के पास जाएं, और विशेष मंत्र के द्वारा इस सिक्के पर लाल धागा जरूर लपेटें। लाल धागा लपेटने के बाद आप उस सिक्के को जैसे ही भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो यह मंत्र आपको मात्र 11 बार बोलना है। मंत्र भी बड़ा ही सरल है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से भगवान शिव को यह 1 रुपए का सिक्का चढ़ाकर आप स्पष्ट रूप से जो भी मनोकामना आपकी है वह भगवान शिव को आप कह दें। अवश्य ही आप उस रात्रि के बाद जब उठेंगे अगली सुबह तो आपको एक नया ही जीवन प्रतीत होगा। आपको अपने अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार महसूस होगा कि आप जिस कार्य में 1 घंटा या उससे अधिक समय लगाते थे उस कार्य को आप जल्द से जल्द कुछ ही मिनटों में कर लेंगे। यह विशेष ऊर्जा उस मास शिवरात्रि में यह उपाय करने से ही आपको प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान शिव को सत सत प्रणाम कर हर हर महादेव का नारा लगाते रहें, इससे आपके अंदर की ऊर्जा में और वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।